आप पात्र हैं तो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा ना करने वाले अपात्र कार्ड धारकों से बाजार के भाव, अनाज, रिफाइंड आदि की वसूली की जाएगी। कार्ड सरेंडर करने के लिए अपात्र लोगों को जिला प्रशासन ने समय दिया है। इसके बाद सत्यापन के वक्त पाए जाने वाले अपात्र लोगों से वसूली के साथ ही विधिक कार्यवाही भी होगी। शासन की ओर से गरीबों के लिए राशन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र गृहस्थी में शहरी क्षेत्र में 3 लाख तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले लोग लाभ लेने के हकदार हैं। सरकार काफी समय से गरीबों को माह में 2 बार मुफ्त में राशन दे रहा है। पिछले 5 माह से राशन के साथ ही रिफाइंड नमक चना भी निःशुल्क दिया जा रहा है। यह योजना गरीबों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है, मगर इस योजना में तमाम अपात्र लोग सेंध लगा रहे हैं। वास्तविक हकदार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं, जिसके पीछे राशन कार्डों का निर्धारित लक्ष्य पूरा होना है। इसे लेकर जरूरतमंद गरीब लोग कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इससे गरीबों को राहत देने के लिए सरकार अपात्रों से कार्ड सरेंडर करा रही है। इसके बाद घर घर जाकर राशन लेने वाले लोगों का सर्वे कराया जाएगा, जिसके दौरान पकड़े जाने पर अपात्र लोगों से बाजार में बिक रहे राशन और तेल नमक के हिसाब से वसूली की जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने दी है। देखिए, अगर हम बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो जो हमारा रूरल एरिया के कैंटीन है और जो अर्बन एरिया के लगभग पूरी हो चुकी है, और अभी भी कुछ लोग इस तरह के आते हैं जो राशन कार्ड नहीं बने, उसको भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो लोग पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, जो सक्षम लोग हैं, उन सब लोगों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, जिससे जो पात्र और गरीब वास्तविक जेन्युइन लोग हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिल सके। और तमाम लोग इस पर आगे भी आए हैं और अपने राशन कार्ड को सरेंडर भी किया है। तो मैं सभी जनपद वासियों से अपील करूंगा, आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जो लोग सक्षम हैं वो अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, जिससे जो वास्तविक पात्र लाभार्थी हैं उनको लाभ दे सके। और इसकी जाँच भी कराई जा रही है, अगर हमारे स्तर से इस तरह के लोग पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो वीर संगत कार्रवाई है वो भी अपने।